यूपी के मऊ जिले में जिला अस्पताल के सफाई कर्मियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। सफाई कर्मी ने मरीज के परिजनों को मार पीट कर घायल कर दिया, जिसमें आधा दर्जन मरीज के परिजन घायल हो गए। सफाई कर्मियों के गुंडई के मामले की सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सफाई कर्मियों को गिरफ्तार कर थाने ले गए। चलिए आपको दिखाते हैं कि सफाई कर्मियों की गुंडागर्दी में पीड़ित महिला प्रिया क्या कह रही है। वो लोग झाड़ू लगा रहे थे और इधर से जा रहे थे, हम रुमाल लेकर आ रहे थे पानी पोछने के लिए, तो क्या कर रही है कि इधर से नहीं जाना है, तो बोला कि इधर से जाए, उसके बाद झाड़ू उठाकर लगे हैं सब मारने, वो सब बेल्ट उठाकर कर्मचारी मारने लगे हैं सब उसके साथ वाले। आप लोगों को? हाँ, सबको, जितने हमारे साथ औरतें थी सबको मारने लगी सब। कौन लोग थे वो? वो थे झाड़ू लगाने वाले कर्मचारी थे। क्या हुआ था, किस चीज़ को लेकर आप बात की? वो लोग झाड़ू लगा रहे थे, इधर से गीला पोछा लगा रहे थे, इधर से पानी के लिए जा रहे थे, उसी के लिए मना की, तो पूछा कि इधर से जाए बताइए आप, झाड़ू सब तरफ तो गीला किए पोछा लगा करके, तो करे हमको क्या पता, उसी पे का तो बताइए, नहीं बताएंगे तो इधर ही से जाएंगे, उस पर ऊपर झाड़ू उठा दिए सब। उधर पुलिस ने इस आरोप में कुछ सफाई कर्मियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। चलिए आपको दिखाते हैं कि मामले को लेकर एसपी अभिषेक यादव ने क्या कहा। देखिए, ये प्रकरण जानकारी में आया है, मारपीट की बात आई है, इसमें जैसी सूचना मिली थी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई है, जो पीड़ित हैं उनको भी ले गई है, उनका मेडिकल कराया जा रहा है और जो अक्यूज्ड हैं उन लोगों को ले जाया गया है, और इसमें जैसे जो तहरीर मिलती है पुलिस मुकदमा कायम करेगी, मुकदमा कायम करके इसमें अग्रिम कार्रवाई करेगी। जैसा भी वो तहरीर देते हैं, जो भी उनके साथ घटनाक्रम हुआ है, उसी के आधार पर पुलिस मुकदमा कायम करेगी और उसमें अग्रिम कार्रवाई उसी हिसाब से करेगी, जो जो घटना में शामिल रहे सबके विरुद्ध कार्रवाई की। एसपीएन 9 न्यूज के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट।